ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, बैकग्राउंड पेज जैसे अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अगर वहां से ना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहां पे भी टेलीग्राम में सारे बैकग्राउंड पेज दे दिए आपको, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे बैकग्राउंड को डाउनलोड करके पिक्सआर्ट में ओपन करना है। एंड गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। यहाँ से ऐड फोटो में चलते हैं, यहाँ से मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है मॉडल का साइज जो आपको अपने हिसाब से रखना है, ठीक है? यहाँ पर मतलब कि जो मतलब पोज वगैरह वो भी आप देख लेना। एंड पोज जो है आप अगर सेम रखो तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर आप कोई पोज अगर चेंज करते हो अपना तो गाइस आप उस हिसाब से जो आपको पीएनजीज लगाने हैं, ठीक है? तो मैंने जो वाला पोज ले रखा, मैं आपको इसमें समझाता हूँ आपको कैसे पीएनजीज वगैरह लगाने। तो पहले गाइस, जब आप मॉडल कहाँ पे ऐड करोगे तो उसके बाद जो आपको कुछ अच्छे रख लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना, आप वहाँ पे सिंपली इसका जो साइज है कुछ छोटा सा कर लेते हैं हल्का सा, तो अब इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम डन कर देंगे, क्योंकि अब इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं हमें। तो अभी हम इसको परफेक्ट तरीके से डन करते हैं। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे डन करने के बाद आप सभी को गाइस जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है एक आई का पीएनजी, ठीक है? आई का पीएनजी लेना है। ये पीएनजी गाइस अगर आप चाहो तो लगाओ, लगाना है, अदरवाइज नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पीएनजी मतलब कि आई के लिए अच्छा है, ठीक है? मतलब ये फोटो में अच्छा लुक है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा लेना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको उसको लगाना है कैसे, आपको सिंपली अपने आई के पास कुछ स्टेप से ले जाना है। देन उसके बाद जो आप कहाँ पे रेजर टूल में जाकर, यहाँ मतलब ओपेसिटी तो कम रखनी है, ठीक है? आपको उसकी ओपेसिटी फुल नहीं रखनी है, कम रखनी है, जहाँ ज़्यादा अराउंड 40 तक रख लेना, ठीक है? एंड चाहो 50 तक तो 50 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 तक वो मैक्सिमम रखना, ठीक है? इसके बाद जो आप सभी को रेजर टूल में जाना है। एंड रेजर टूल में जाने के बाद जो आपको नीचे से थोड़ा सा ना हल्का हल्का इरेज कर देना है, क्योंकि क्या है कुछ पार्ट है ना जिसके ना मतलब कि आँखों के बाहर भी चलते हैं ना, तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा फेक लगेगा अगर आप हो जाएगा, अगर आप इरेज नहीं करोगे तो, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको एक इसका डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है? पहले आप जूम कर लेना फोटो को, एंड इसका आपको एक डुप्लीकेट बना लेना है ताकि जो दूसरे वाले आई के पास भी आपको लगाना है क्योंकि, ठीक है? तो आपको उसके लिए जाना है। एंड जो ये वाली आई है थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही बंद हो रखी है वाली है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको वहाँ पे साइज़ छोटा करेंगे इसका। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जाएंगे रेजर टूल में। एंड रेजर टूल में जाने के बाद जो ऊपर का एरिया है जितना भी हम उसको इरेज कर लेंगे, जो मतलब बाहर आ रहा है बस उतना एरिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे तो ओपेसिटी वगैरह तो सेम ही है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम कर लेंगे डन, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जो आई मतलब कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। एंड यहाँ से ऐड करेंगे एक पीएनजी और फुटबॉल की, इसको ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सॉरी फुटबॉल नहीं गाइस, बास्केटबॉल है ये, ठीक है? फुटबॉल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ पे कुछ स्टेप से यहाँ पे ऐड कर लेंगे यहाँ पे। एंड फ्रंट में ताकि इसको थोड़ा ब्लर कर लेंगे, पहले से इसकी ब्राइटनेस वगैरह वो कम कर लेते हैं, ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। एंड ऐसे जो है कॉन्ट्रास्ट, इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं यहाँ पे यार। एंड सैचुरेशन है जो, इसको हल्का सा कम कर लेते हैं। अब इतना परफेक्ट है, अब इसको यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। इसको जो है थोड़ा ब्लर भी करना पड़ेगा यार, क्योंकि मतलब कि लगे कि मतलब फोटोज जो है मतलब कि किसी बास्केटबॉल के सामने से क्लिक किए हैं ना, तो आपको थोड़ा इसको ब्लर कर लेना। आप देख लेना इनमें से जो सा ब्लर आपको ठीक लगे वो ले लेना। वैसे यार मेरे को तो सबसे लास्ट में जो ब्लर दिख रहा है ना ये वाला, ये मोशन ब्लर, ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है, बताओ हम इसको रख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसको इतना कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली डन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में, एक और ऐड करना है आपको वापस से उसी बास्केटबॉल को, एंड इसको ऐड कर देना है। एंड इसको ऐड कर देने के बाद जो है आपको इसको भी यहाँ पे ब्लर करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्लर में जाना है। एंड ब्लर में जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे ब्लर थोड़ा चेंज करना है, ठीक है? कौन सा वाला लेना है वो मैं बताता हूँ आपको। आप गाइस पहले ये वाला देख लीजिए, थर्ड वाला, फोर्थ, ये वाला ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम इसको डन करते हैं। एंड गाइस इसकी जो ओपेसिटी ना यार यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सी लग रही है मेरे को, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ना हम यहाँ पे पहले हटा देते हैं, अगला दोबारा लेते हैं इस पीएनजी को से हटा के, इसको दोबारा लेते हैं। ओपेसिटी जो है ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो मतलब बेकार लगेगी, तो इसको हम लेते हैं। इसमें कम करेंगे थोड़ा ब्लर, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, जो साइज़ रखेंगे हम इतना, बास्केटबॉल का साइज़ जो है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो मैंने इसको रख लिया है यहाँ पे। अब इसको हम डालते हैं ब्लर, ठीक है? तो ब्लर डालना है आपको ये वाला जो यहाँ पे आपको थर्ड स्टार्ट लास्ट से जो थर्ड वाला ब्लर है शायद वो वाला ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? ये वाला लास्ट से फोर्थ वाला है वो ले लेते हैं, ठीक है? दोनों तरफ से फोर्थ पे ही है। तो आपको यहाँ पे इसको जो यहाँ पे इसका जो ओपेसिटी अराउंड 5 तक रख लेना है, एंड इस पर डन करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे ऐड फोटो में जाके एक पीएनजी और ऐड करना है विग्नेट का, इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से,
एंड इतना परफेक्ट है, आप इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस जितना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो कहाँ पे सेव कर लेना है, इसको लेके चला लाइट रूम ऐप में ताकि यार रिटच करके हम इस फोटो को और भी अमेजिंग बना सके। तो अभी जो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, अब चलते हैं इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है इसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, एंड जो हाईलाइट है इसको भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, एंड जो शेडो है यहाँ पे हल्का सा इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, एंड जो वाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करते हैं, एंड ब्लैक है जो इसको थोड़ा सा इसको भी कम कर लेते हैं। फिर चलते हैं कलर्स में, हम यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, एंड उसके बाद चलते हैं मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करते हैं, सैचुरेशन थोड़ा माइनस करते हैं, एंड जो ल्यूमिनस है इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपने फोटो के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम ग्रीन कलर में, येलो कलर में हम इसका ह्यू माइनस कर देंगे, एंड सैचुरेशन जो इसको भी प्लस कर देंगे, देन जाएंगे डार्क ब्लू में, ह्यू बढ़ा देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद कर देंगे टर्न। फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में डालेंगे बिगिनेट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा हम इसको बढ़ा देंगे, एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देंगे, एंड फोटो में जो नोटिफिकेशन हम इसको बढ़ा देंगे, एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन हम इसको भी बढ़ा देंगे। एंड गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।